वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और निराशाजनक अपडेट में। सो ट्विटर पे मैं कंटेंट ऐसे ही ढूंढ रहा था, अब जो चीज़ मुझे मिली उसको देखते हुए यहाँ पे एक ट्रेंड हो रही है ट्विटर पे कि वी वांट प्रवास फिल्म अपडेट। अब इसको लेकर ट्विटर पे एकदम अलग लेवल का बवाल मचा हुआ है। आप लोगों को पता होगा सूर्या हो, जूनियर NTR हो, रामचरण हो, इन सब की एक एक दो दो फिल्में जो है रिलीज़ हो चुकी हैं जब से प्रोजेक्ट के सलार इन सब का अनाउंसमेंट हुआ है। ये 3 साल के अंदर राधेश्याम डिज़ास्टर गया, उससे पहले साहू भी डिज़ास्टर गया है। अब फैंस का ये मानना है सलार और प्रोजेक्ट के ये दोनों प्रवास के करियर को जो है बिल्ड करने वाले हैं। तो इतने ज़्यादा ट्वीट्स हो रहे थे, 2 लाख से भी ज़्यादा ट्वीट, और फैन क्लब वाले एकदम पूरा निराश हो चुके हैं। प्रोजेक्ट के लगभग शूटिंग कम्प्लीट हो गया, मेकर्स ने बता दिया है कि शूटिंग कम्प्लीट हो गया है, और अभी मतलब इस महीने से जो शूटिंग आगे चलेगा वो पार्ट 2 के लिए होगा। मुझे वही चीज़ें समझ नहीं आ रही है, और प्रोजेक्ट के का तो आप साइड कर दीजिए क्योंकि उसका रिलीज डेट अभी नहीं है। अभी जो है आदि पुरुष का रिलीज डेट जून में आने वाला है, तो रिलीज डेट अगर जून में है तो आप लोग अपडेट आए थे अक्टूबर में देखे चले गए, एंड 2 लाख ट्वीट के बाद भी अगर मेकर्स की नींद यहाँ पे नहीं खुलती है तो फैंस की कदर मेकर्स करना नहीं जानते। और मैक्सिमम वीडियोस पे मैं इसीलिए बोलता हूँ कि प्रवास को कभी भी बॉलीवुड के अंडर काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बॉलीवुड का भाई यही है, कोई भी अपडेट आप देख लो अगर उसका प्रोडक्शन हाउस बॉलीवुड के अंडर है तो फिर उसका अपडेट कभी भी टाइम पे नहीं आया। एक टाइटल अनाउंसमेंट यहाँ पे प्रोजेक्ट के का देखने को नहीं मिला, कोई भी वीडियो कंटेंट नहीं आया, पूरा फिल्म का शूटिंग खत्म हो चुका है, अभी तक कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिल रहा। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा क्यों ऐसा गेम खेल रहे हैं, फैंस एकदम निराश हैं। और ट्विटर पर मैंने जाकर देखा 2 लाख से भी ज़्यादा ट्वीट हो चुके हैं। कोई भी फैन क्लब कोई भी हीरो का है अगर 2 लाख से ज़्यादा ट्वीट आता है, 50,000 ट्वीट भी आते हैं ना वाली माई थाला अजीत का, उनका अपडेट आ जाता है। यहाँ पे आदि पुरुष वालों को सामने आना पड़ेगा, और जून में रिलीज डेट है, अभी फरवरी मतलब मिड आने वाला है, तो उसके अंदर अगर कुछ ग्लिम्स वीडियो या फिर कोई कैरेक्टर इंट्रोडक्शन का वीडियो डाल दें, क्या अपडेट कर रहे हैं हम लोगों को भी पता चले। जैसे प्रशांत वर्मा ने कहा था कि मैं कुछ अपडेशन कर रहा हूं, और उसके फ़ोटोज़ भी उन्होंने आके सोशल मीडिया पर शेयर किया था, लेकिन ओम रावत भाई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं। बोल रहे हैं ऑलरेडी हम लोग जून पे रिलीज डेट अनाउंस कर चुके हैं तो जून में आएगा, यहाँ तक कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं लग रही है ट्रेलर रिलीज करना है। इतने सारे कैरेक्टर हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन आ सकता था, राम हो, रावण हो, माता सीता हो, उनका कोई इंट्रोडक्शन वीडियो डालते तो एक अलग ही बज बनता मार्केट में। क्या एडिटिंग कर रहे हैं अभी तक पता ही नहीं है, और फैंस ट्विटर पे बिल्कुल निराश है। कोई जाके प्रोजेक्ट के वालों को टैग करके रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई आदि पुरुष को जाकर रिक्वेस्ट कर रहा है, भाई ये तो पता है कि ये लोग कब देंगे, लेकिन अप्रैल में जो है सलार का टीजर एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो कि मोस्टली उगाड़ी के मौके पर आने वाला है। अब प्रोजेक्ट के का मुझे पता नहीं है, और सलार भाई कंफर्म आएगी क्योंकि उसका रिलीज डेट जो है September 28 को है। अप्रैल में मोस्टली 100% इसका टीजर हमको देखने को मिलने वाला है। आप लोगों का इसके बारे में क्या थॉट है, क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।